हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली एंड आपकी अन्वेषा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं पहुंच चुकी हूँ घर अपने, और गर्मी बहुत ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड अब घर आ चुकी हूँ। घर आने के बाद स्नान वस्नान करके निकल रही हूँ मंदिर की तरफ, खड़ारा नाथ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ खड़ारा नाथ। और यहाँ मेरी माते अपनी पोती के संग, पोती ऐसे देख रही है जैसे पहली बार मैं देख रही हूँ किसी को। मना मना, इसका नाम अभी तक कुछ रखाया नहीं है फ्रेंड्स। कुछ आप ही लोग सोचकर इसका नाम सजेस्ट कर दो। इसके मम्मी पापा असमर्थ हो गए इसके नाम रखने के लिए। कुछ भी नाम रखा जा रहा है, कुछ भी। बेचारी के साथ चीटिंग हो रहा है, कुछ भी नाम रखा जा रहा है। और ये है मिस अंजलि। अंजलि हाय करो। ये है अंजलि, घर की ओनर, घर की ओनर है ये। ये अपने अकॉर्डिंग सारा काम करती है। अपना मम्मी कॉपी ना बेटी को करा। ये है मेरा पूजा रूम। अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। भाभी भी नहीं रहती हैं, बेचारी साप्ताहिक आती हैं, तो मंदिर लेकर जाना पड़ रहा है। और ये है खड़ारा नाथ जो मेरे घर के जस्ट बगल में है। वो मेरा घर है और ये मंदिर है। और फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा या बहुत किसी को पता भी होगा, ये मंदिर जो है यहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू हैं। और ये अभी का मंदिर नहीं है, ये बहुत पुराना मंदिर है, हमारे पूर्वज के टाइम का मंदिर है। ये 1903 में स्थापित किया गया था, इस मंदिर को बनवाया गया था और शिवलिंग को स्थापित किया गया था। और कहा जाता है कि हमारे पूर्वज की कहानी में कि वो एक साधारण से व्यक्ति थे और उन्हें संतान नहीं हुआ करता था। उनकी तीन तीन शादियां हो रखी थी, मगर और पूजा पाठ भी किया करते थे, मगर उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी। तो वो भगवान जी से होता ना कि अपना दुख बयां करते हैं, तो उन्हें एक रात सपना आया कि मैं गांव के दक्षिण तरफ में हूँ, मैं झाड़ियों में हूँ। तो वो सुबह उठे और वहाँ गए और साफ़ सफाई करवाया गया, तो उन्हें वहाँ पे एक पत्थर के रूप में शिवलिंग मिला, जहाँ जाकर उन्होंने जिनका नाम था श्री पदारथ मिश्रा, जो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करवा के यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना करवाए। और फिर उन्हें एक साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। और फ्रेंड्स, ये हमारे गांव में एक बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली माना जाता है, बिकॉज़ यहाँ पे स्वयंभू हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी कोई अपना मनोकामना मांगता है वो पूरा वो ज़रूर करते हैं, हर हाल में पूरा करते हैं। और ये शीतला स्थान, और ये है पीपल देवता जो हर सैटरडे को पूजा होता है। और ये मंदिर का है चारों तरफ का नज़ारा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं पूजा कर रही थी, और जस्ट मेरे बगल में, मैं कभी भी आकर शूट कर सकती हूँ, मगर मैं नहीं आती हूँ शूट करना, बिकॉज बहुत कोई दिन भर मंदिर का ही फ़ोटो वीडियोस डालते रहते हैं, तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं की हूँ। और ये बजरंग बली हैं और ये बहुत सुनते हैं। और मेरी भाभी को मैं कुछ बोल रही हूँ, आप ऋषिक तरह लग रहे हैं। नहीं, ऋषि लड़की की तरह है देखने में। और अभी हम लोग का फ्रेंड्स एक राउंड पूजा हो चुका है, दूसरे राउंड पे हम लोग को पूजा करना है। एंड फिर गंगा जल आपके पास फेंकिएगा नहीं, गंगा जल चढ़ाइएगा। गंगा जल और नॉर्मल जल एक साथ नहीं चढ़ता है, बताओ फ्रेंड्स एक साथ होता है? ए कौन नाले टपरेगा है, जब हाल महादेव का पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे इन लोगों को पूजा पाठ नहीं सिखाया गया है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पूरा जल खत्म हुआ, आइए। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कुल देवी का पूजा करने के लिए, जो मेरे पुराने वाले घर में है, जहाँ पे मेरे दादा दादी रहा करते थे। अभी आंटी अंकल लोग रहते हैं,
वहाँ पे जा रहे हैं। और फ्रेंड्स काफ़ी धूप है जिस वजह से मेरी आँख भी नहीं खुल रही है और मैं जो बोल रही हूँ वो मतलब क्लियर वो सुनाई नहीं दे रहा था, तो मुझे ओवर वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ा। और ये है मेरी भगवती माँ कुल देवी माँ हमारे घर की। और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अपना रूम तो अपना होता है ना फ्रेंड्स, कितना भी कुछ हो जाए मगर वो जो सुकून जो अपने बेड पे अपने रूम में आता है वो दुनिया में कहीं नहीं आता। और दिस इज माय रूम एंड दिस इज माय बेड, और मैं जहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी और मैं आते के साथ सूट नहीं कर पाई थी तो। एंड फ्रेंड्स अपना रूम तो अपना होता है, अपना बेड तो अपना होता है। पहले मेरा रूम नीचे हुआ करता था बट हैदराबाद में चली गई तो पापा मेरे रूम में शिफ्ट हो गए, कॉज मेरा रूम नीचे था। और पापा लोगों को तो थोड़ा सा होता है ना कंफर्ट जोन के लिए कि नीचे वाला ही रूम ठीक है हमारे लिए, रहने दो। एंड मुझे मामा पापा के रूम में शिफ्ट होना पड़ा, तो पिछले मैं 4 सालों से 2020 पिछले 2-3 सालों से मैं इधर ही रह रही हूँ। मतलब जब भी सिलीगुड़ी से आती हूँ, अभी तो फिलहाल सिलीगुड़ी रहना पड़ रहा है, बट ये वाला जो सुकून है ना फ्रेंड्स वो अपने रूम में रहना, मुझे अपने रूम में दिन भर अगर मुझे बोल दो कि रहने तो मैं वैसे भी अपने रूम में ही दिन भर रहती हूँ। मुझे इधर उधर नाचने का आदत तो ज़्यादा नहीं है, घर पे भी होती हूँ तो खाना पीना खाने के बाद फिर मैं अपने रूम ही आ जाती हूँ, मैं अपने रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरा इस रूम में मेरा होना तो इस रूम में मेरा बहुत अलग ही मेमोरी है। मुझे लग गई भूख तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी कुछ न्यू डिज़ाइन से। मुझे मैगी में रेसिपी चेंज कर करके बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं कुछ न्यू स्टाइल से बना रही हूँ। इधर मैंने प्याज लिया, प्याज को मैं थोड़ा सॉटी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे प्याज में बहुत चीज़ नहीं मैं डाल रही हूँ, बस मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ, गरम मसाला और जीरा। उसके बाद मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से बनाऊँगी। फ्रेंड्स मैगी होता होगा सबका फर्स्ट लव, मेरा भी हुआ करता था किसी ज़माने में जब मुझे नहीं आता था कुछ बनाना तभी, बट अब मुझे ना सब कुछ आता है बनाना थैंक्स टू यूट्यूब एंड भरत किचन। एंड अब मुझे मैगी खाकर बोलोगे रहने के लिए कि मैगी खा के तुम रह जाओ तो नो, वो मेरे से नहीं होगा। मुझे प्रॉपर खाना जो होता है, मुझे यम यम खाना, वो मैं बनाना प्रेफर करती हूँ और खाना भी प्रेफर करती हूँ। बिकॉज मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे मैगी खा के रहना हो तो मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ, मैगी बस हो गया। और मैगी तभी मैं खाती हूँ जब मेरे कॉलेज में जल्दी से एग्ज़ाम होता है या कुछ, तो झटपट फटाफट बना लिया, वरना मैं मैगी कभी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैगी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, और मैं इतनी कामचोर हूँ नहीं कि मैं मैगी खा के रह जाऊँ, ठीक है। तो ये इवनिंग स्नैक्स, और बहुत दिनों के बाद मैं मैगी वैगी ट्राई कर रही हूँ। मैं नहीं खाती हूँ जनरली अब मैगी, और मुझे खाना बनाना आता है, प्राउड ऑफ मी। और इसी बीच मैं मैगी के लिए आ गई देखने के लिए। अब देख ही रहे हो फ्रेंड्स कि मैं मैगी को भी कितने ताम झाम के साथ बनाती हूँ, वो उबाल करके मैं उबाल के जो भी बनाती हूँ वो भी मेरी मैगी का रेसिपी अलग है, वो मेरी दीदा जानती है, वो मेरी भाभी जानती है कि मैं नॉर्मल मैगी को नहीं बना के खा सकती, वो मुझे वॉमिट हो जाएगा उस मैगी को खाकर। जो लोग बॉईल करके नॉर्मली खा लेते हैं नो, मेरे से तो ना हो पाएगा। और ये हो गया है ठंडा, अब मैं इसे पीस रही हूँ, तब तक मैं मैगी को देती हूँ ठंडा करने के। अब मैं छोटे छोटे प्याज के पीसेस कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बोला ना कि मैं पनीर स्टाइल में मैगी भी बना रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा वक्त लेना भी ज़रूरी है। एंड ये ग्रेवी बनकर रेडी हो चुका है, अब मैं इसे जल्दी से इसमें मसाला डालूंगी और इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी, फिर इसमें मैगी डालूंगी और फिर मैं दिखाती हूँ इसका टेस्ट क्या है नहीं है। इसे आप अक्सर पनीर के साथ इस ग्रेवी को खाते होंगे, बट मैं इसे मैगी के साथ ट्राई की हूँ। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे भून चुका है, मैं इसमें मैगी डालूंगी एंड टन टन ये मेरा बन चुका है। और मैंने थोड़ा सा इसमें चीज़ ग्रेट कर लिया है, बिकॉज मुझे चीज़ पसंद है बट ज़्यादा मैं चीज़ नहीं खा रही हूँ तो इतना काफ़ी है। एंड खाओ पियो मज़े करो, बहुत यम बना। आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये मेरी रेसिपी है
एंड मेरे चैनल पर प्लीज़ ऐसे ही बने रहना। थैंक यू।